تم اسے سوتھ مے حز باسان بہ کرہا تم من پٹھ جان قربان कोई भी काम या कोई भी इंसान छोटा नहीं होता एंड
आई अर्ज ऑल माय यंग जो हमारी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हुई हैं कि आपको जब तक आप अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको बोलना नहीं आता पब्लिक तो प्लीज लर्न हाउ टू स्पीक इन पब्लिक। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्शन आएगी वो तो बहुत आगे के स्टेजेस में आती, लेकिन आपका ट्राई करना और आपकी एफर्ट लगाना इम्पोर्टेंट है। मेंटर्स का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल्स का रोल इम्पोर्टेंट है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते, उनमें कॉन्फिडेंस देना हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आगे आ रहा है उसको तो आगे लेना है, लेकिन जो नहीं आ पा रहा जिसमें शायद किसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, किसी कल्चरल बैरियर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहा। एंड इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। अगर हमारे साहब ने या हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना जरूरी है। आजकल हर इंस्टीट्यूशन में हमने कमिटीज बनाई हुई है जिसमें ये मैंडेट है कमेटी का कि बच्चों से बात करें, कोई भी अगर फीमेल किसी इंस्टीट्यूशन में है तो उनसे बात करें कि उनको कोई परेशानी दिक्कत हो नहीं, और उसको सरफेस पे लाना, उसके बारे में बात करना, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट टू गो इन पब्लिक स्पेसेस। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर आने में, बात करने में, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सो आज आपका सीरियस, मुझे पता है कि आप लोग कोई भी सीरियस वाले मूड में नहीं है, सारे एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगी। आप सबको बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आप यू आर फुल ऑफ टैलेंट एंड सो इम्प्रेस्ड, थॉरली इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो आपने यहाँ दिए हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एंड आई एम श्योर यू कैन डू वंडर्स नॉट जस्ट इन बारामूला, नॉट जस्ट इन JNK, बट आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। Yes, sir.